हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी इस तरह से बनाएंगे कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो, स्पेशली टू वेट लॉस। तो वज़न कम करने के लिए हम कॉफ़ी किस तरह से बनाते हैं, आज की रेसिपी इस पर है। क्योंकि कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो काम है वो है बॉडी को एक तो ताकत देना, स्टेमिना देती है, और दूसरी चीज़ ये कि ये मेटाबॉलिज्म रेट को जो है तेज कर देती है। तो इसलिए ये खाने के बाद अगर ली जाए तो भी वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आप वॉकआउट से पहले ले लेते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स पहले ले लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और वेट लॉस करने में बहुत स्पीड कर देगी। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए, एक कप पानी और 1/4 टीस्पून, या अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा कॉफ़ी ले सकते हैं। और हमें ज़रूरत होगी लेमन की। वो व्यूअर्स जो वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं है, वेट लॉस नहीं कर रहे और नॉर्मली वैसे ही पसंद करते हैं, तो वो चाहें तो उसमें चीनी या थोड़ा सा हनी यूज़ कर सकते हैं। पैन स्टोव में रखेंगे और उसमें हम एक कप पानी डालेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कॉफ़ी बना रही हूँ, लेकिन मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए वो एक कप के हैं। आप ज़्यादा कप बनाएं उससे ज़्यादा उसके हिसाब से डाल सकते हैं। पानी के हम बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि वेट लॉस के शौक में बार बार कॉफ़ी पीना सही नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। तो दिन में दो दफ़ा ये परफेक्ट है, दिन में दो दफ़ा आप सर्दियों में कॉफ़ी ले सकते हैं टू लूज वेट। सुबह को आप वर्कआउट से पहले लीजिए, लेकिन पहले हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे ये खाली पेट भी रहते हैं। और शाम को आप 5 बजे के बाद ना लीजिए, क्योंकि ये आप में स्टेमिना इंक्रीज़ करती है, मेटाबॉलिज्म तेज करती है। तो खाना आपको क्योंकि खाना होता है, तो इससे कोशिश करें कि आप 4-5 बजे ले लें। और अगर आप खाना खाने के बाद ही लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद 30 मिनट्स के बाद लीजिए, फिर ये खाना हजम करने में भी हेल्प करेंगे। पानी हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्टल बॉइल हो रहा है, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कॉफ़ी, और इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए इसी तरह से सिमर होने देंगे। लीजिए जी, कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई। कॉफ़ी हमने स्टेन कर ली है, और स्टेन करने के बाद हम कॉफ़ी मग में डालेंगे। लीजिए जी, आपकी हॉट ब्लैक कॉफ़ी रेडी है, और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा इसकी स्टीम को बंद होने लीजिए, क्योंकि इतनी गर्म में हम लेमन ऐड नहीं कर सकते। तो थोड़ी तो कुछ सेकेंड्स के बाद आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन यूज़ कर लें, और अगर आप डाइट नहीं कर रहे तो हल्की सी चीनी डाल सकते हैं और लेमन के साथ लें, वेट लॉस करें। बहुत मज़े का और इजी वे है वज़न कम करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा।